Assalamu alaikum. Welcome to Sasbo aur Jaika. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. मैं फलियान की चटनी बना रही हूँ. ये देखो फलियान, कच्चे फलियान है. इसे क्या करना है, इसे भुनना. बताती हूँ मैं ये कच्चे फलियान की चटनी को. ये अमली छोटी अमली जरी इतनी अमली डालना, और ये हरी मिर्ची डालना, इसके साथ ये लहसुन डालना. अमली, लहसुन, हरी मिर्ची और ये कोथिमीर डालना. थोड़ा सा नमक टेस्ट करके बस डाल लेना. बस ये कच्ची फली को मैं ऐसा भून कर हूँ. ये अच्छा ऐसा भून भून को इसके साथ ऐसा पूरे छिलके निकाल देंगे. निकाल के पाक करके चटनी बनाती हूँ मेरे घर. अरे बाद में चटनी बनाने के बाद ये प्याज, इतनी प्याज लेना और छिल दाल को इसे काटना. काट को मिक्सी में एक ही चक बार मारना, नहीं तो ज़्यादा पीसे गई तो चटनी ख़राब हो जाती है. ये प्याज कच्ची फली है, मैं बताई थी ना, इसे भुंदा लेते हैं. भुनने के बाद इसे ऐसे छिलके पूरे निकाल को इसे पाक करके उससे चटनी बना रही हूँ इसकी. इसमें मिक्सी में अमली, नमक डालती हूँ. अमली डालना, ये लहसुन डालती हूँ, हरी मिर्ची डाल, इसे थोड़ा बारीक करने के बाद ये फलियाँ डालती हूँ. इसमें जहाँ अमली, लहसुन ये बारीक कर रही हूँ, कच्ची मिर्च डाल रही हूँ इसमें, और इसके साथ में ये फलियाँ डाल रही हूँ. खाली अमली की ये नारियल नहीं डाल को पीसनी, उसमें नारियल भी भुन को डाल सकती हैं इसमें, मगर पसंद नहीं करते घर में हमारे. आप लोगों को पसंद है तो नारियल भी डाल लो हमको. फिर इसमें थोड़ा पानी डाल लें, नहीं तो पीसे नहीं जाते, घटता है. वो चटनी बारीक हो गई और थोड़ा चाय टेस्ट करने के बाद नमक ऐड करना है. पूरा हो जाने के बाद टेस्ट करना है सर. और इसमें थोड़ा पानी फिर डाल रही हूँ. इन्हें प्याज डाल रही हूँ, जो रख दिखाई थी ना मैं, छोटी सी प्याज इधर. एक दो एक क्राउंड मारे तो देखो, इसमें थोड़ी थोड़ी जरा फीकी है चटनी. अब ये नमक डाल रही हूँ इसमें. देखो नमक अच्छा मिला रही हूँ इसमें, और प्याज भी, देखो प्याज भी जरा जरा पीसे गई है. प्याज है देखो इसमें, प्याज भी है जरा जरा, और टेस्टी रहता है जरा. प्याज डाले तो टेस्टी रहता है. चटनी रेडी हो गई रोटी के साथ, डोसे के साथ, और है ना ब्रेड है तो उसके साथ में उसमें मिला को खा सकती, सैंडविच बना को अच्छा रहता. देखो इसमें प्याज है, ऐसा प्याज मोटी मोटी रहना, उसमें बहुत बारीक नहीं करना. प्याज दिख रहे रहो इसके साथ चटनी के साथ, और दाल चावल और ये फलियाँ की चटनी खाए तो बड़े मज़े का रहता है. ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.